हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। आज बड़े दिनों बाद मैं यहाँ पे कर रही हूँ व्लॉगिंग फिर से। अभी मैं क्विक सा एक मीठा बनाने वाली हूँ। अर्जुन भी कितने दिनों से कह रहा है कि मुझे स्पेशल कुछ बना दो। कभी कहता है वो पिज्जा बना दो, कभी कहता है लज़ानिया बना दो, या कभी कुछ और कहता है। तो मैंने सोचा कि अभी कुछ बना लेते हैं स्पेशल। और प्रदीप भी अभी भी घर आए हैं और वो कब से मुझे पूछ रहे हैं कि बता देना वो स्पेशल चीज जो बनाने लगी है वो क्या है क्या है। तो मैंने किसी को अभी तक नहीं बताया, तो अब आपको रिवील हो जाएगा। अर्जुन कह रहा है कैन आई टेल यू। हा नो इट्स नॉट पिज्जा, ही सेड पिज्जा। नो इट्स नॉट पिज्जा, इट्स अ स्वीट थिंग। नो इट्स अ स्वीट थिंग। तो चलिए जल्दी से उसके इंग्रेडिएंट्स इकट्ठे। नो इट्स नॉट क्रोसांस। तो जल्दी से उनके इंग्रेडिएंट इकट्ठे कर लेते हैं किचन के काउंटर टॉप पे और आपको भी फिर पता चल जाएगा और वो क्विक माइक्रोवेव में जल्दी से बन जाएगी। चलिए मैं आज बना रही हूँ चॉकलेट मग केक। अर्जुन पता सी नहीं? अच्छा तुम्हें पता सी कि चॉकलेट मग केक है? अच्छा कहना हाँ पता पुता कुछ नहीं सीखा। ओके तो मैंने जो मग लिया है ना, ये इसमें 580 ml के करीब लिक्विड आ जाता है। तो मैं आपको बता रही हूँ इसलिए क्योंकि ये बहुत बड़ा मग है। तो इसमें हमें क्या करना है? हाँ बेटा, तो इस मग में मैं सबसे पहले ऑल पर्पस फ्लावर डाल रही हूँ। जो मैदा है वो 9 टेबलस्पून डाल रही हूँ। चार पांच छ सात एंड आठ नौ 9 टेबलस्पून हो गया ये। और यहाँ पे मेरे पास है ग्रेनुलेटेड शुगर और ये मैंने डालने हैं 6 टेबलस्पून। 1, 2, 3, and here goes 6. और यहाँ पे मैं कोको पाउडर डाल रही हूँ, ये भी 6 टेबलस्पून जाएगा बीच में। 1, 6 और इसमें जाएगा बेकिंग पाउडर 3/4 टीस्पून। अब हम जो ये ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं, बस इनको पहले मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह। I like mixing parts. Do you want to do? I like to do. Do you want to do? Yes. You can do that. ये भी आ जाए। अच्छी ना उस right hand ना करो ना। Do it with your right hand. Hold from here. No. Yeah. Now mix it. गिरना नहीं है, okay? I'm a expert. You are expert. Yeah. I'm... Okay. We have expert. Food expert here. I don't even make that ball. Okay. Okay, thank you. Can I take it? Okay. और अब इसमें जाएगा 1/2 टीस्पून ऑफ वनीला, वो डालेगा अर्जुन। Yeah, अर्जुन ऐसे the food expert. Okay, food expert. चलो ऐसे ही पालो. This much is, yeah. Now it tastes more yummy. Yeah, it's... और इसमें जाएगा ऑयल, आप चाहें तो बटर भी डाल सकते हो। मैं यहाँ पे मेरे पास ये जो रिफाइंड ऑयल है कनोला ऑयल वो डालूंगी। इसमें जाएगा 6 टेबलस्पून ऑफ ऑयल। तो सिक्स मीन्स और जाएगा 9 टेबलस्पून ऑफ मिल्क। 1 मिनट लास्ट वन यू कैन डू। ओके लास्ट गोज टू अर्जुन। तो लास्ट अर्जुन डालेगा 9। इट्स ओके। हाँ अब हम अच्छी तरह इसको करेंगे मिक्स। एक मिनट बेटा, फर्स्ट आई विल डू देन यू कैन डू। ये हो गया अच्छी तरह मिक्स। आप देख लो ये कितना स्मूथ है अभी। नाउ फिनाले, अब इसमें जाएंगे चॉकलेट चिप्स। थोड़े से अर्जुन के पास, थोड़े से मेरे।
चलो इतना हो गया जितने आप चाहें उतने डालें आई गेस बहुत हैं चलो अर्जुन को चाहिए चॉकलेट चिप्स ऐसा नहीं हो सकता कि कोई चीज में चॉकलेट चिप्स जा रहे हैं और अर्जुन ना मांगे और अब ये जाएगा माइक्रोवेव में यहाँ पे केक हो गया रेडी एक बार देख लेते हैं केक हो गया है अर्जुन रेडी ये गरम है ठंडा कर रही हूँ अर्जुन के लिए कैसा ओ यम उधर दसो टू थम्स अप और ये जाएगा प्रदीप को थोड़ा सा टेस्ट करा दें अब कैमरामैन को हमारे ओ आ जाओ कैमरामैन ध्यान ना खायो हाँ गरम है केयरफुल डिलीशियस ओके तो बहुत इजी सा ये मग केक है जब भी मन करे ना बच्चों का या अपना तो जल्दी से बना लो माइक्रोवेव में बन जाता है जल्दी से वो बनाओ और खाओ और अब क्योंकि केक बन गया है चॉकलेट केक तो पहले तो प्रदीप पीने वाले थे चाय बट जैसे उन्होंने देखा ये चॉकलेट केक बना है तो वो अब पी रहे हैं कॉफी की तैयारी हो रही है यहाँ पे आलमंड मिल्क कॉफी यस चलो फिर जल्दी से हम खा लेते हैं अर्जुन को और चाहिए हॉट होएगा बेटा ध्यान ना लुके अर्जुन वांट मोर पहले मैं खा के देखू इट्स हॉट स्टिल हॉट तेरा और रख रही हूँ ये ठंडा हो जाए ठीक है okay. अच्छा मैं आपको एक बात बताना भूल गई क्योंकि ये मग जो हमारे पास था वो काफी बड़ा इसमें लिक्विड आ जाता है मैंने जैसे बताया था 580 ml के करीब तो इसको हमें पकाने में 4 मिनट लगे हैं माइक्रोवेव में तो आप अगर छोटे कप का बना रहे हो तो आप उस हिसाब से उसकी क्वांटिटी भी कम कर लेना और अगर बहुत छोटा कप है तो 1 मिनट में भी बन जाता है या 1 मिनट 15 सेकंड में भी बन जाता है तो आप एक बार देख लेना कुछ भी अंदर डाल के ना उसके कि वो अच्छी तरह पक गया कि नहीं तो नहीं गरम गरम है खून भी खून भी गरम है मैं तो तोड़ के बाहर रखे बस ही आई नो इट्स नाउ इट्स नॉट वार्म नॉट सो हॉट सारा मैं ही खा दूँ नो इट्स माइन